Welcome, dear children. Today we will practice counting of four-digit numbers and representing four-digit number on an abacus. Dear children, yesterday we learned about counting four-digit numbers. कल हमने सीख लिया है four-digit numbers अगर हमें count करने हैं आगे के number हमें पता होना चाहिए मतलब next number हमें पता होना चाहिए और वो हम कैसे पता कर सकते हैं Add one on the last digit. वंस प्लेस की जो डिजिट है उसमें एक नंबर हम जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा और बाकी के तीन डिजिट सेम रहेंगे ठीक है तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से नाइन वी हैव टू काउंट नंबर्स फ्रॉम 6984 टू 7010 ओके तो इस नंबर से हम स्टार्ट करेंगे 6984 यहाँ से स्टार्ट किया अब मुझे चाहिए नेक्स्ट नंबर तो बस फोर में वन कर दो फोर बन जाएगा फाइव और ये थ्री डिजिट्स जो हैं बाकी के वो सब सेम रहने वाले हैं 6985 ओनली फाइव हैज चेंज 6986 फाइव के बाद सिक्स हो गया है 6987 सिक्स के बाद सेवन ये बाकी सारे थ्री डिजिट्स सेम हैं ओके तो ऐसे ही हम करते जाएंगे और काउंट होता जाएगा 6988 6989 जब भी 9 आएगा बेटा तो 9 प्लस 1 होता है 10 ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इज 10 तो ये देखो दो डिजिट हो गई 9 हैज बिकम 0 एंड 1 विल गो टू द नेक्स्ट डिजिट तो ये 1 होगा कैरी और वो ऐड हो जाएगा उसकी जो भी 9 के बगल में जो भी नेक्स्ट डिजिट है सो 89 विल बिकम 90 9 विल बिकम 0 1 कैरी हो जाएगा 9 अब ये दो डिजिट्स पर इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है तो दिस विल रिमेन हियर सो 6989 के बाद होगा 6990 अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा 0 में 1 ऐड कर दो तो 6991 6992 6993 6994 नेक्स्ट नंबर विल बी फोर विल चेंज इनटू फाइव बाकी सारे डिजिट सेम रहेंगे 6995 6996 6997 6998 6999 जब भी 9 एक डिजिट होता है तो वो चेंज होके जीरो में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम 999 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 ठीक है 9 प्लस 1 10 कैरी 1 अगेन 9 और 1 10 हुआ 0 लिखेंगे कैरी 1 9 प्लस 1 10 हुआ 0 लिखेंगे कैरी 1 सो ट्रिपल 9 विल चेंज इनटू ट्रिपल 0 ये तीनों 9 की प्लेस पर नेक्स्ट नंबर में 3 0 आ जाएंगे लेकिन अब देखो ये एक नंबर 1000 प्लेस का भी तो बढ़ गया है ये नंबर 1000 प्लेस में ही जाकर कैरी हो जाएगा और अभी जो 1000 प्लेस पर 6 है उसमें प्लस 1 होके ये 7 हो जाएगा सो नाउ वी गेट आफ्टर 6999 वी गेट 7000 7000 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो क्या नंबर होगा 7000 प्लस 1 सो जस्ट थिंक कि 0 में 1 ऐड हो गया और बाकी तीनों डिजिट सेम रहेंगे So here it will be 1, remaining digits will be same. So it is 7001. Next number 7002. Getting it? Up next number 7003. 1000 is a fourth digit. So agar kisi ka number name 1000 mein aa raha hai, to wo four digit number hoga. So 7004. But you can't write just 7 and 4. Jo hundreds or tens place hai, wo 0 hai. 7005. 7006 7007 7008 7009 जब भी 9 आएगा 9 के बाद नेक्स्ट डिजिट 10 होती है इसका मतलब जहां 9 है वहां 10 वाला 0 हो जाएगा और 10 में जो 1 है वो नेक्स्ट डिजिट में कैरी हो जाएगा सो 9 के बाद 10 हो गया बाकी डिजिट सेम है वी हैव टू राइट नंबर्स टिल 710 एंड वी हैव डन इट सो यू सी Just by adding 1 on the last digit, you can get the next number. Let's go to the next question. Represent the following numbers on abacus. आप सबने abacus देखा है. Abacus में rods होती है. उसमें हमें कुछ beads बनाने होते हैं. This is a 4-digit number. You have to place it on this abacus.
4521. ओके, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स प्लेस है. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द वंस प्लेस. वंस प्लेस पर डिजिट है वन, सो आई एम गोइंग टू मेक अ वन बीड, वन सर्कल, वन बीड ऑन इट. टेंस प्लेस में टू लिखा हुआ है, तो टू बीड्स आई हैव टू मेक. हंड्रेड्स प्लेस पे फाइव है, सो मेक इट फाइव. वन टू थ्री फोर फाइव. थाउजेंड्स प्लेस फोर है, तो फोर बीड्स हम, फोर छोटे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे. गेटिंग इट सो इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1008. ये रही वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस. रिमेंबर चिल्ड्रन, हम जब प्लेसेस लिखते हैं तो हम लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं लास्ट डिजिट से और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. वंस प्लेस एट, तो वंस प्लेस में हम एट सर्कल्स ड्रॉ करेंगे. बीट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. टेंस प्लेस जीरो, डोंट ड्रॉ एनीथिंग. हंड्रेड्स प्लेस जीरो, डोंट ड्रॉ एनीथिंग. एंड थाउजेंड्स प्लेस इज वन, सो ड्रॉ वन सर्कल. ऐसे आप और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप एबेकस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन योर नोटबुक.